ये नर सम्राट का जन्म 1998 में हुआ, तब से अब तक इन 22 वर्षों में नर सम्राट ने करीब 40 नाटकों के देश विदेश में 1400 से ज्यादा प्रदर्शन किए। इसके साथ ही करीब आज से 18 साल पहले हमने नर सम्राट नाट्य उत्सव, वार्षिक उत्सव का भी शुभारंभ किया। आज इसी कड़ी में हम यहाँ पर अपना 18वां नाट्य उत्सव की हम शुरुआत कर रहे हैं। इस नाट्य उत्सव में ना सिर्फ नट सम्राट के निर्देशक द्वारा या नट सम्राट की प्रस्तुतियां, बल्कि देश देश के अन्य बहुत सारे नाटककारों की प्रस्तुतियां आपको देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे नाटक के निर्देशक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज इस 18वें नाट्य उत्सव की शुरुआत के लिए मैं आप सबसे श्याम कुमार जी के लिए तालियां। साथ ही श्याम कुमार जी ने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की जो उससे पहले नहीं थी, अब तो देखने में मिलती है लेकिन तब ऐसा नहीं था। श्याम कुमार जी ने नाटक की जो अलग अलग विधाएं हैं, जैसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट बैक स्टेज, बेस्ट प्ले राइट, इन सब के लिए 8 लोगों को पुरस्कार देना शुरू करा करीब पिछले 12 साल से। इस साल 13वें हमारे ये नाट्य पुरस्कार का जो समारोह है ये 20 तारीख को इसी जगह पर आयोजित किया जाएगा। हमारा ये नाट्य उत्सव 5 दिन चलेगा, वो तो 5 दिन लगातार नहीं है, वो अलग अलग तिथियों को है, 13, 17, 18, 20 और 22। 22 तारीख को यहाँ पर ये हम 8 थिएटर के रंगकर्मियों को, थिएटर की विभूतियों को सम्मानित, तो उनके नाम तो मैं सारे नहीं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन ये जरूर है कि इस बार लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड श्याम कुमार जी और हमारी टीम ने जो चुना है वो चुना गया है कीमती आनंद जी को, जिनको आप सब जानते हैं। तो 20 तारीख की शाम को हमारा थिएटर अवार्ड समारोह होगा। हर साल ये समारोह हमारे नाट्य उत्सव का ये हिस्सा होता है। तो मित्रों, अब फिर हम शुरू कर रहे हैं आज का हमारा 18वां नाट्य उत्सव। और किसी भी उत्सव की शुरुआत के लिए दीप प्रज्वलन होना बहुत जरूरी है, और दीप प्रज्वलन के लिए आज हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं, श्री हमारे मित्र समाज सेवी कोरोना वॉरियर मेडिकल फील्ड से, श्री कृष्णा मेडिकल सेंटर के प्रबंधक जीओ सीजी, और हमारे अन्य मित्र हैं शिव केश मिश्र जी, आप वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ एक बहुत ही नामी गिरामी इंडिया टुडे से संबंधित हैं भी, आप बहुत ही नामी ग्रामी थिए आर्ट क्रिटिक भी हैं। मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया मंच पर आए, और श्याम कुमार जी से अनुरोध करूंगा जो हमारे ग्रुप डायरेक्टर इस नट सम्राट ग्रुप के हैं, वो भी आए और दीप प्रज्वलन के लिए मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं। जियो ने अपने सेंटर को ड्यूरिंग कोविड भी, कोविड के बाद भी बहुत कम समय के लिए बंद हुआ था, उसके बाद कोई भी समस्या होती थी लोग इनके पास जाते थे। शिवकेश मिश्र जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका आज हमारे बीच होना हमारे लिए गर्व की बात है। और श्याम कुमार जी के लिए भी एक मिनट आपके, अभी मैं श्याम कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे इस समारोह का एक प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह मैं कहूंगा, वो जियो जी को देकर के और अब एक प्रतीक चिन्ह शिवकेश मिश्रा जी को श्याम कुमार जी। तो अब समारोह की और आज के नाटक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला नाटक है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। आशीष कोतवाल जी का लिखा हुआ नाटक है और इसको डायरेक्ट किया है हमारे नट सम्राट के श्री श्याम कुमार जी ने। तो आइए देखते हैं कुछ तुम कहो कुछ हम कहें।
बात और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ना करे, ये किसी भी प्ले में बिल्कुल वर्जित है। सेकेंडली, आप सब लोग अपने फोन को या तो बंद कर दें या साइलेंट मोड पे कर दें। आपके फोन में किसी प्रकार की आवाज आने से आपको भी असुविधा होगी, कलाकारों को भी असुविधा होगी और आपके साथ के दर्शकों को भी असुविधा होगी। थैंक यू। अब आप Yes. तो आरोग्य धाम के चीफ आप ही हैं? जी हाँ। इसमें हंसने को क्या हुआ? कुछ भी नहीं है। देखिए आप फिर से हंस रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए नहीं हंसूंगा, सीरियसली। दरअसल मैं आपके ऑफिस गई थी तो वहाँ यमुना बाई ने बोला कि आप यहाँ बैठे हैं, सो मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ चली आई। हाँ हाँ, अक्सर पेशेंट देखने के बाद मैं यहीं आकर बैठता हूँ। अच्छा, अरे आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना। बड़ी जल्दी याद आ गई आपको। थैंक यू जी। वैसे एक बात कहूं जी, आपको देख के थोड़ा ताजुब हुआ। ताजुब क्यों? पता नहीं क्यों पर ताजुब जरूर हुआ, मुझे लगा कि पहले हम कहीं मिल चुके। अच्छा खैर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। मैं क्या पूछूं, भला मुझे क्या जानना है। अरे आपने तो मुझे यहाँ बुलाया था आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट देकर। मैंने बुलाया था? अच्छा अच्छा, आप यहाँ आरोग्य धाम में आई हुई हैं। दर्द करेगी, मुझे लगा कि आपको पता होगा। अच्छा क्या नाम है आपका? मानसी, मानसी मजे जी। ओ मानसी मजे जी, तो आप हैं वो। ये आप हैं वो से आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि मैंने आपको 10 बजे का वक्त दिया था और अभी 1 बज रहा है। तो क्या हो गया, आप आ गए हो ना? और मेरे टेस्ट रिपोर्ट में क्या हुआ? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दरअसल आपको यहाँ बुलाने की वजह बिल्कुल दूसरी है। दूसरी वजह? मतलब ये कि ये एक आरोग्य धाम है, यहाँ पर लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, शांति के लिए आते हैं, तो यहाँ कंप्लीट साइलेंस और डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं, क्या कहती हैं आप? मैं क्या कहती हूँ, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। देखिए आपको यहाँ आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और आपके खिलाफ शिकायतों का ढेर है मेरे पास। दुनिया से अलग, इतना अलग पेशेंट मैंने आज तक नहीं देखा। डॉक्टर पहले तो मुझे पेशेंट कहना बंद कीजिए, ये पेशेंट का ठप्पा लगता ही ना, मुझे डर सा लगने लगता है। That is not my problem. यहाँ लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। आते होंगे, मुझे क्या? हाँ तो वैसा ही कानून है। होगा कानून, और कानून मतलब क्या डॉक्टर? ये जरूरी नहीं कि यहाँ आने वाला हर इंसान पेशेंट हो। यहाँ कुछ और ही लिखा है, इसमें लिखा है कि रात को वापस आते वक्त आपके पैर से एक जग गिर गया, उससे 2 गिलास टूट गए और इस सारी आवाज से सब लोग हड़बड़ा के उठ गए। ठीक है डॉक्टर, अगली बार मैं थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतूंगी। बस आपसे तो बात करना ही मुश्किल है। ऐसा ना सभी कहते हैं पर न जाने क्यों कहते हैं, जबकि मैं सबसे इतने खुले दिल से मिलती हूँ। बस चुप कीजिए आप, इधर उधर की बात करके असल मुद्दे को गोल कर जाती हैं आप। बड़ी अच्छी कलाकार हैं। अरे काहे की कलाकार डॉक्टर, मैं तो बस समय के साथ चलने की कोशिश कर रही हूँ बस। खैर बताइए और कौन कौन से इल्जाम है मुझ पर? अच्छा ये आरोग्य धाम में आने वाले हर व्यक्ति को ये फॉर्म भरना पड़ता है। ये देखिए आपने फॉर्म किस तरह से भरा है मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, जैसे ये उम्र के कॉलम में आपने सिर्फ एक लाइन खींच दी है, इसका क्या मतलब? डॉक्टर कभी भी किसी औरत से उसकी उम्र नहीं पूछा करते। और वैसे भी क्या मैंने आपसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? वाह बड़ा अच्छा सा लॉजिक दे रही है। अरे मैं साफ साफ कह सकता हूँ मेरी उम्र है 65 साल। सच में? क्या मतलब? नहीं मतलब पैसे के हिसाब से काफी यंग लगते हैं आप। हो सकता है, लेकिन असल बात यह है कि मेरी उम्र 70 के भी पार है। वाह जी वाह, बहुत ईमानदारी की बात है। तो ठीक है मैं भी बहुत ईमानदारी के साथ आपको बताती हूँ कि मेरी उम्र 80 के आसपास बिल्कुल नहीं। सैटिस्फाइड? मैं नहीं हूँ सैटिस्फाइड। और ये देखिए ये व्यवसाय के कॉलम में आपने कैसा गोल मोल का जवाब दिया है, थिएटर, अब इसका क्या मतलब है? अब इससे मेरे जोड़ों के दर्द का क्या संबंध, इससे मेरे जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा? इनफ ऑफ इट, आपके मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये जो मैं गोली चूसता हूँ ये लिमलेट की गोली नहीं है, अपनी सिगरेट की आदत छोड़ने के लिए गोलियां चूसता हूँ। और दूसरी बात ये साफ साफ बताऊं तो मुझे तो लगता है कि आप ही दूसरे के फटे में टांग डालने वाली औरत हैं, झगड़ालू औरत। मैं आपको 2 बातें साफ साफ बता दूं,
एक तो मेरे पास फालतू वक्त नहीं है बहसबाजी के लिए, और दूसरा ये कोई मेरे पास आए मुझे बेवकूफ साबित करने की कोशिश करे ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ी विचित्र औरत है। अच्छी धुन बजा रहा है ना? अरे डॉक्टर आप कब आए? हाँ थोड़ी देर पहले वहां खड़ा था। तो मैंने आपको कैसे नहीं देखा? अरे आप धुन सुनने में जो तल्लीन थी। हाँ दरअसल वो बांसुरी बजाता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर मुझे बहुत देर हो गई अब मुझे चलना चाहिए। अरे कहाँ जा रही हैं आप? ना तो आपके पास छाता है ना रेनकोट है, ऐसे कैसे जाएंगी? एक बात बताइए यहाँ आने के लिए क्या पूरी गृहस्थी उठा कर लाओगे? और छाते रोटी रेनकोट की क्या जरूरत है? अरे भाई बारिश आ जाएगी। आपको पता है हजारों वॉट से प्रकाशमान रंगमंच में हजारों दर्शकों के सामने परफॉर्मेंस करने का एक अलग ही मजा होता है। नहीं वैसे मुझे अपना ये मैनेजमेंट का काम भी पसंद है, और कभी कभी उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए ना तो अपनी पीठ खुद ही थपथपा लेती हूँ, और जब घर वापस आती हूँ तो अकेला घर जैसे मुझे काट नहीं पड़ता होता है। मजेजी कहाँ होते हैं तब? वो कहाँ मेरे हिस्से में आने वाले हैं, वो तो बस शूटिंग फैंस इन्हीं सब में बिजी रहते हैं।
लेकिन बहुत अच्छे इंसान है। हाँ हाँ हाँ, अभी पहले बता चुकी हैं आप। ऐसा क्या? हाँ? जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं ना, उनके बारे में बार बार बात करने का मन करता है। आपको हार्ट ट्रबल है और आप अकेले रहते हैं, प्यार से देखभाल करने वाला कोई भी नहीं। क्या नाम बताया था आपने? मजे जी। ओ, नाम बताइए ना। मानसी, लोग प्यार से मन भी कहते हैं, पर क्यों? बस ऐसे ही। आप ठीक है? अभी ठीक हो जाऊंगा। मेरा छाता कहाँ है? ये रहा। ओ अच्छा अच्छा, टूटा तो नहीं ना? नहीं, तोड़ नहीं पाई। अब ठीक लग रहा है। थोड़ी देर पहले तो लग रहा था कि आ गया बुलावा, हो गई छुट्टी। यार डॉक्टर, कैसी बात कर रहे हो? अभी तो आपको आरोग्य धाम की सेवा करनी है। हाँ, मानसी। हाँ? मन जी, जिंदा होने का एहसास कितना सुकून देता है। हाँ, प्रेमिका है, दो दो बार वॉरफ्रंट पे शामिल होने का कुछ तो परिणाम होगा। लेकिन एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उस वक्त भी तुम छोटी छोटी बातों पर यूं गुस्सा किया करते होगे। हाँ, और तुम भी ऐसी छोटी छोटी बातों में शरारत करती होगी। अरे पता है, जब मैं 14 साल की थी ना, तो भूत बन के बच्चों को डराया करती थी। फिर 3 साल बाद मेरी शादी हो गई और साल भर में बेटा दीपक। अच्छा, तो मतलब तब से तुम ये मजे जी के थिएटर ग्रुप में काम कर रही हो? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे दूसरे पति है। दरअसल मेरे बहुत सारे प्रेम प्रसंग हुए हैं और शादी आखिर में मजे जी के साथ हुई। अरे बाप रे, बड़ी खतरनाक औरत हो तुम तो। ओ मम्मी, तुम कितनी ह्यूमरस हो। मैं कहती थी ह्यूमरस, मेरा डायरेक्टर तो मुझे हमेशा रोल दिया करता है। तो वो कहता था उन्हें नहीं पता कि तुम कितनी अच्छी एक्ट्रेस हो, और मुझे गले लगाकर कहता था तुम कितनी अच्छी। अच्छा, तो अब कहाँ है तुम्हारा वो राजकुमार? चौरासी के दंगों में मारा गया। तब मैं भुज में थी, शूटिंग कर रही थी। तो 2 दिनों के बाद के दर्द बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है। खैर छोड़ो, वो ना मेरी सहेली आई हुई है, उसकी भी ना अपने पति के साथ लड़ाई हो गई। सोचा दोनों मिलकर सुख दुख की बातें कर ले, तो मैं चलती हूँ, तुमसे मिलने बाद में आऊंगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। देखो, भूल ही गई ना, दरअसल मैं तुम्हारे लिए ये तलिया लेकर आई। अरे वाह मन। हाँ? एक बात पूछूं, तो मेरे इतना ख्याल क्यों रखती? मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? बस तो एक ही बात मन में आती है। हाँ? बहुत रह लिया, अब वापस घर जाना चाहिए। मन, ये कैसा मजाक है? मजाक? तुम यही सोचते रहना और मैं तो चली जाऊंगी यहाँ से। मैंने तो सोच भी लिया है मुझे घर जाके क्या क्या करना है। क्या क्या करोगी? देखो, पहले तो थोड़ी साफ सफाई करूंगी, फिर थोड़ी फर्नीचर की जगह बदलूंगी, और पर्दे, सारे पर्दे चेंज कर दूंगी। कहो तो तुम्हारा घर भी सजा दूं? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने खुद ही कर लिया है। अच्छा, पता है मिनी के कमरे में तो मैंने पूरी एक दीवार को वॉलपेपर से सजा दिया है। हाँ? बड़ा ही अच्छा दृश्य है।
जंगल के बीच से पतली सी पगडंडी होकर जाती है। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच में से चमकते हुए धूप के टुकड़े दिखाई देते हैं। मिनी को बहुत पसंद आएगा। हाँ, ये तो सही बात है। पता है परसों ही उसका फोन आया था। हाँ? किसी भी दिन आ सकती है। उसने मुझे धोखा नहीं दिया बल्कि उसने खुद आकर मुझे बताया कि वो विशाखा से प्यार करता है। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि फिर तुम क्या करती रही इतने सालों तक? मैंने कुछ प्लेस किए, कुछ गुजराती फिल्म्स की, बच्चों के साथ वर्कशॉप, और बाकी टाइम मजे जी के बारे में पढ़ती रही, उनकी फिल्में देखती रही, बस। और अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो विदेशों में परफॉर्मेंस देते हैं पुराने जमाने की हीरोइनों के साथ। अच्छा, और विशाखा? उसका क्या मतलब, वो कहाँ है? अब वो सुदेश और सारिका के सारे मैनेजर संभालते हैं। हाँ, समझ गया। हम उसको भी कभी कभी फोन करता होगा तुम्हारी तरह। तुम्हें कैसे पता? इतना तूफान आने वाला। मन, देखो तुम शांत हो जाओ। एक काम करते हैं, तुम और मैं डिनर पे चलते हैं, यही जाती थी ना तुम? कब? शाम को चलते हैं, तब तक ये तूफान भी आकर चला जाएगा। चलो। चलो। कितनी देर हो गई। नहीं, जितना सोचा था उससे तो बहुत देर हो गई। हाँ। मालूम है, मैं तो शुक्र बना रहा था कि कोई जानने वाला उसने हमें नहीं देखा। मैं सोच रही थी कि तुम्हारा कोई पेशेंट हमें देख लेना, मजा आ जाएगा। बस एक बात कहूँ? हाँ? तुम तो आज बहुत ही खुशकिस्मत हो कि साड़ी पहनने का मौका मिल ही गया। ये बताओ कि कैसी लग रही हूँ? फैंटास्टिक। और अच्छा ये बताओ कि शर्मिन कैसी लगी तुम्हें? अरे मस्त थी। मैं सही बताऊं, आज दुनिया को देखने का मेरा नजरिया ही बदल गया है। सच? हाँ। तुम्हें पता है जब हम दोनों ने रेस्टोरेंट में कदम रखा था ना, तो वहाँ जितनी औरतें बैठी हुई थी सब मुझे घूर घूर कर देख रही थी, और कॉर्नर में बैठी एक लेडी वो तो ऐसे देख रही थी कि बस पूछो ही मत। बहुत मजा आया रे। लोग इतने इलेक्ट्रिफाइड थे कि मजा आ गया। चलो आगे से टैक्सी पकड़ लेते हैं। टैक्सी तुम्हारे साथ, वो भी इतनी रात को, लोग क्या कहेंगे? अरे भाई लोग क्या कहेंगे, हम जवान थोड़े हैं, 5 साल हो गए सीनियर सिटीजन हुए भी। चलो अगले स्टैंड से ले लेते हैं। चलो। अरे बहन क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले तो खामोश थी, अब इतना हंसे जा रही हो? अरे भाई हम तब से चले ही जा रहे हैं, मतलब, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। सच बताओ तो मैं तो सोच भी नहीं सकता, मेरे लिए बहुत नई बात है कि किसी के साथ में। तुम्हें मजा आ रहा है ना? हाँ। तो एंजॉय इट। जरूर। ये बताओ सुबह से कहाँ थे तुम? अरे मैं सिटी गया था भाई, वहाँ कुछ ऑपरेशन करने थे ना। ऑपरेशन? हाँ। मन तुम तो जानती हो मैं सर्जन हूँ, मेरी उंगलियाँ चलती रहनी चाहिए भाई, पता नहीं कल क्या हो। सही बात है, पता नहीं कल क्या हो, कौन जानता है, कौन जानता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर वो शाम याद भी याद है, वो लौटी ही नहीं। उस दिन मुंबई में बम विस्फोट हुए, अचानक से उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इस तरह मुझे आज भी यकीन नहीं आता, और पता है ऐसा लगता है कि जब मैं घर जाऊंगा तो मेरा इंतजार कर रही होगी। मिनी बहुत छोटी थी, उसके लिए तो मुझे जिंदा रहना ही था। बाद में बड़ी होकर उसने भी अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढ लिया, शादी करके अमेरिका चली गई। और तुम यहाँ? पता है अब मुझे ऐसा लगता है कि उम्र के इस पड़ाव में अगर एक साथी की नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो धोखा है। मैं वापस जा रही हूँ, मेरी ट्रेन है शाम की। देखो ट्रेन शाम की है और तुम सुबह से जा रही हो। वो दरअसल
यहाँ पास ही में एक काठ गोदाम का मंदिर है, सोचा थोड़ी देर वहां हो जाओ, फिर शॉपिंग, फिर ट्रेन। देखो मन, तुम्हारे पास सब कुछ करने के लिए वक्त है, सिर्फ मुझसे मिलने के लिए ही वक्त नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सुबह के समय मैं ऑपरेशन में बिजी होता हूँ, इसलिए मुझसे मिले बिना तुम चुपके से जा रही थी। चुपके से नहीं जा रही थी मैं, मैंने सबको बाय किया, बकायदा मैंने डिस्चार्ज पेपर पर साइन किए। लेकिन मुझे तो नहीं किया ना। मैंने जरूरत नहीं समझी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अगर तुम चाहती तो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट 10 दिन के लिए और बढ़ा सकता था। क्यों? अच्छा, ये बात बताना पड़ेगा मुझे। तुम्हारा जोड़ों का दर्द भी ठीक नहीं हुआ। अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर दिया है और मेरा कमरा भी दूसरे को मिल चुका है। मैं कैसे बताऊं, कैसे मन को ये समझाऊं कि दरअसल मैं उसे बहुत चाहने लगा हूं। मेरी दिक्कत सिर्फ ये है कि मैं अपने दिल से रेनू को नहीं हटा सकता। काश वो सब बातें समझ पाती, इस तरह से न जाती तो। अरे तुम अभी यही खड़ी हो? मैंने सब कुछ सुन लिया आनंद, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी मेरी मदद नहीं की सुदेश को बुलाने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए? तो क्या तुम रेणु को अपने साथ लेकर आगे नहीं बढ़ सकते? ये क्या बात है, हम दोनों तो मजे जी को और रेणु को साथ में लेकर आगे बढ़ सकते हैं, आरोग्य धाम की सेवा कर सकते हैं। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, शायद इसीलिए मैं आई हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, शायद मैं भी इंतजार कर रहा था सिर्फ तुम्हारे। हम साथ मिलकर आरोग्य धाम की सेवा करें। हाँ, सब लोगों की सेवा करें। हाँ, कुछ तुम कहो, कुछ हम करें। माना की दुखों से तुम हो भारी, माना की दुखों से तुम हो भारी, तो हम भी खाली हाथ नहीं। माना की दुखों से तुम हो भारी, तो हम भी खाली हाथ नहीं। इस राहे वफा पे अपने कदम, कुछ तुम रख दो, कुछ हम रखते। तो बांट ले सारे दर्दे आलम, तो बांट ले सारे दर्दे आलम, कुछ तुम रख लो, कुछ हम रख ले। हम साथ रहे और साथ चले, हम साथ रहे और साथ चले, हम साथ जिए और साथ मरे। इस राहे वफा पे अपने कदम, कुछ तुम रख दो, कुछ हम रख ले। मात्र दो कलाकारों की इस टीम के पीछे हाथ था पूरी बैक स्टेज की टीम का, जिनसे मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगी। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करी पीयूष ने, राकेश कोडनिया जी ने, संगीत संचालक रोहित भारद्वाज ने, स्टेज मैनेजर सुनील राठौर, स्टेज प्रॉपर्टी बसंत कुमार और शिवांगी, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग रेखा जोशी और विजय प्रकाश जोशी, इसके अलावा लोकेश, विश्वजीत, रॉकी, अशोक गुप्ता जी के साथ अन्य कलाकार भी स्टेज पे आ गए। और लाइट डायरेक्शन और साथ ही इस नाटक को इतनी खूबसूरती के साथ में निर्देशित किया श्याम कुमार जी ने। तो राकेश कौडिन्या जी बहुत पुराने रंगकर्मी हैं, जिन्होंने हमारे कहने पे हमारा आग्रह स्वीकार किया और इसमें गाने लिखे। राकेश कौडिन्या, और इस नाटक में म्यूजिक जो था और जो आवाज थी गानों में, वो थी एक यंग कलाकार की, बिल्कुल कम उम्र के ईशान त्यागी।
ये शान त्यागी जी हैं जिन्होंने अभी गाना गाया अपने टाइटल सॉन्ग हमारा कुछ तुम कहो कुछ हम कहेंगे जी। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी संस्था की तरफ से ईशान त्यागी जी के लिए एक स्मृति चिन्ह शांत त्यागी जी के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा। मेरी मुलाकात हुई तो गाना रिकॉर्ड करते वक्त इन्होंने कहा कि मैं वीडियोग्राफी करूंगा। मैंने कहा हमारे पास फंड नहीं है, उन्होंने कहा मैं करूंगा वैसे ही करूंगा। तो मैंने कहा आ जाओ वेलकम। तो इतने अच्छे इंसान है, थैंक यू वेरी मच राकेश भाई, ये आपके लिए स्मृति चिन्ह। और दोस्तों अभी 5 मिनट के अंतराल के बाद कॉमेडी नाटक हमारा ओ माई गॉड कुछ इस टीम और कुछ दूसरी टीम के साथ मिलकर तैयार हुआ है, उसका डायरेक्शन भी मेरे था। और दोस्तों ये नाटक का नाटकों का सिलसिला, इस नाट्य उत्सव का सिलसिला 22 तारीख तक रहेगा यहाँ पे। 17 तारीख को 2 नाटकों का मंचन है, 18 तारीख को फिर 2 नाटकों का मंचन है, 20 तारीख को पहले अवार्ड फंक्शन है 5:45 बजे, फिर 6:15-6:30 के बीच में दूसरे नाटक का मंचन होगा, और 22 तारीख को इस नाट्य समारोह का समापन होगा। उस दिन 2 नाटक है। तो ये सूचना आप अपने दोस्तों को दें और अपने दोस्तों को बताएं नाटक के बारे में, ताकि वो भी इसका आनंद उठा सके। तो 5 मिनट के बाद शुरू करते हैं।